हेलो गाइज, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यार अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बुलिया गेमिंग पे। एंड गाइज, लास्ट टाइम पे मैंने कुछ वीडियोस डाले थे गेम के, एंड काफ़ी दिनों से मैं चैनल पे एक्टिव भी नहीं था किसी कारण से। जैसे मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि दादाजी एक्सपायर हो गए थे, उसी के कारण मैं कंटिन्यूसली, एक तो मैं कंटिन्यू नहीं था एंड कुछ प्रॉब्लम्स थी फैमिली के अंदर, केयर क्रिएट हो ही जाती है कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं एक्टिव नहीं था। बट मैं ट्राई करूंगा गाइज अब से कि मैं रेगुलर रहूँ। एंड काफ़ी सारे लोग ना मिस कर रहे थे विंगिंग राइज के सेकंड पार्ट्स को, जानते कि मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग मिस कर रहे होंगे कि भाई नेक्स्ट पार्ट कब डालेगा या कब आने वाला है। तो गाइज टेंशन मतलब यार, तुम्हारा भाई आ गया, बस थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। हो सकेगा मैं ट्राई करूंगा, एंड प्रॉब्लम से प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है अभी के टाइम में। तुम लोगों ने देखा होगा मैंने कम्युनिटी में डाला था कि इस बार मॉनिटर का कल्याण हो चुका है, तो ट्राई करूंगा गाइस। थोड़ा बहुत हो सकता है एक दो दिन का गैप हो जाए, क्योंकि एडिटिंग वगैरह जो होती है वो स्क्रीन पूरी टूट चुकी है तो हो नहीं पाता है, अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है। तो देख लेंगे, कोई बात नहीं है, अपने हाथ की बात है, कर लेंगे। बट मैं ट्राई करूँगा, बस तुम लोग सपोर्ट बनाए रखना। एंड एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, तुम इस काफ़ी सारे लोग ना लाइक नहीं करते हो, तो लाइक कर दिया करो यार, कमेंट करोगे तो मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। एंड अच्छा लगता है यार आपके कमेंट्स पढ़ के, रियली बता रहा हूँ कि आप लोगों से बात होती है, मैं सबको रिप्लाई भी करता हूँ, एंड बहुत अच्छा लगता है मेरे को जब मैं बात करते हो, आप लोग कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है सच में। तो तुम लोग यार कमेंट जरूर करके जाया करो, एंड अच्छी अच्छी कमेंट किया करो, है ना। ऐसा नहीं भाई हर्ट बना के छोड़ दो तो क्या, उससे क्या मैं रिप्लाई दूँ उसका, है ना। ऐसे लिखा करो कुछ अच्छा खासा कि हाँ ये गेम ट्राई करो, वो खेलो, ठीक है, समझ होंगे तुम लोग। तो लेट्स गो। मैंने काफी दिनों से गेम खेला भी नहीं है, ओपन ही आज किया मैंने तुम लोगों के सामने। एंड मैंने ना डायरेक्टली वीडियो बनाना स्टार्ट किया, लिटरली बताऊं तो। एंड अभी हम लोग देखते हैं ना, हमने ना पिछले टाइम पे, सबसे पहले देखो तुम लोग, हमको ना सबसे पहले फ्री का माल लूटने का काफी ज्यादा शौक है, पैसा तो हमारे पास दूर दूर तक है नहीं, तो हम लोग फ्री के ही काम करते हैं। ओके, यहाँ से कैमरा नहीं भाई, एल्बम से हम लोग सेट कर सकते हैं, इसमें पिक्चर, अपनी पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। तो क्या बोलते हो गाइस, अपनी मेरी फोटो लगा दूं यहाँ पे? खैर ठीक है, फिलहाल के लिए ना अभी मैं जितना भी फोकट का माल है वो फटाफट कलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, जितने भी है सब कुछ। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने लगभग मेरा जो जितना भी वर्क था मैंने सारा कंप्लीट कर ही लिया है। एक दो ये जो मिशंस वगैरह बचे हैं तो ठीक है, ये भी हमने कर लिया है। खैर फिलहाल के टाइम में ना यहाँ पे एक कुछ तलवार टाइप का बैटल विथ रन से क्या कुछ है, अरीना कुछ ऐसा कुछ अजीब सा नाम आ रहा, तो इनसे शायद चैलेंज वगैरह है क्या, तो वो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग किसके साथ चैलेंज ले सकते हैं। एंड लेट्स गो, इसी के साथ चैलेंज लेते हैं, एंड फटाफट से ना इसको ओके एंड स्किप मारते हैं। तो ओके गाइस, यहाँ पे भी मैंने सारा चैलेंज ले लिया है, एंड हमें ना पांच में से जो पांच चैलेंज थे उनमें से मैं हार चुका हूँ, बिकॉज क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड एक और टीम हमारी वहाँ ऐड होती तो मैंने अकेले भेज दिया, तो उन्होंने हमें कुत्ता बना के मारा, ऐसा समझ सकते हो तुम लोग। तो अभी के टाइम पे हम लोग उसको छोड़ते हैं, एंड अभी हम लोग चलते हैं हमारा, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट जो चीज़ है ना, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये जब पूरा हो जाएगा हम लोग उसको पूरा, मतलब जो ले लेंगे या फिर इसके ऊपर हम लोग पूरा, ये जो अपना शेयर है, सिटी है, अगर हम लोग उसको पूरा बना लेंगे देन इसके बाद क्या होगा, सोचने वाली बात तो यहाँ पर ये है सबसे बड़ी बात। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने सोचा भी था कि हम लोग करेंगे इसको, बट मैं कर नहीं पाया जैसे कि मैंने तुम लोग बताया था। तो सबसे पहले ना यहाँ पर हम लोग अपग्रेड हमको करना नहीं है, यहाँ से हम कुछ आर्मी वगैरह की पावर, मेरे पास तुम लोग फिलहाल के लिए तुम लोग आर्मी पावर दी की सकते हो 322,000 है। एंड लास्ट टाइम पे जब हमने फाइट की थी ना इन लोगों के साथ, तो हमारे पास ज़्यादा आर्मी थी नहीं उस टाइम पे, हमारे पास आई थिंक 200,000 के लगभग आर्मी थी, बट अभी के टाइम पे 122,000 ज़्यादा है। तो लेट्स गो यार, बिना टाइम वेस्ट किए मैं करता हूँ अटैक। एंड हम लोग एक टीम से तो अटैक करेंगे नहीं भाई, सीधी बात है, हम लोग हर बार की तरह स्ट्रेटेजी लगाएंगे जैसे कि हम पहले लगा रहे थे। एंड यहाँ पे ना मैं सारी टीम्स भेज दूंगा, मैंने पूरी अपनी तीन की तीन टीम्स भेज दी है, एंड यहाँ पे होगी भाई मस्त फाइट। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है भाई ये ड्रॉप्स, इनके कितने ड्रॉप्स थे, 29,000 ड्रॉप्स हैं। अगर हमने इनको हरा दिया तो समझ लेना कि आज की वीडियो में पूरा अपना काम खत्म है, समझ रहे ना। एंड यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हो रही है घमासान फाइट, एंड मुझे लग रहा है ये फाइट पहली ही टीम हमारी इजीली इनको हरा सकती थी, तीसरी टीम की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि पहली ही टीम ने इनको टक्कर दे दिया। बट भाई ये एक टीम तो ऐसे ही है, ये लड़की वाली टीम तो ऐसे ही बेचारी कुटकुटा के ही जाती है हर बार, तुम लोग जो भी समझो बेचारी ले लेते हैं इसकी अच्छे से। एंड ये क्या ही बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो तुम। एंड अभी देखते हैं हम लोग यहाँ इजीली जीत जाएंगे, एंड अभी सबसे पहले ना यहाँ फाइट लेने से पहले जीत चुके हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। इसका 31,000 ड्रॉप्स है, इट मीन्स ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, 22,000 उनका था, 31,000 इसका, एंड दोनों हमारे बच चुके हैं, तो इसका मतलब हम लोग जीत जाएंगे अगर हमारी तीनों आर्मी ने यहाँ पे फाइट ली तो। एंड उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा गाइस, अगर आप लोग लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन करना चाहते हो, एंड लाइव स्ट्रीम अगर आप खेलना चाहते हो मेरे साथ लाइव के साथ, हम लोग गेमिंग की लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बोलिए स्पोर्ट वाले चैनल का नेम मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसको भी। अभी लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग ना एक बार यहाँ पे चलते हैं, देन यहाँ से ना कुछ हील करते हैं इनको, 6 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं है 6 मिनट लगेगी तो। एंड अभी मेरा ना 1,000 ड्रॉप्स, मतलब जो भी पावर थी वो कम हो चुकी है, मेन दिक्कत ये है, बस प्रेयर करो तो इस चीज़ की करो कि हम लोग बस यहाँ जीजिए। ये लड़की ना हर बार पिट के जा रही है, बट फिर भी यार कुछ तो डैमेज दे के जा ही रही है, तो लेट्स गो।
यहाँ पे देखने वाली बात तो यही है, जब तक यहाँ पे आर्मी आती है तुम लोगों को क्या लगता है गाइस कि हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? एंड जब तक के लिए ना, आप में से काफ़ी सारे भाई लोगों के ऐसे कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे जिन्होंने मेरे को बोला था कि भाई कुछ ऑप्शंस बताओ, मतलब कुछ मिशंस उनको आ नहीं रहा है मतलब कंप्लीट करना, तो मैं ट्राई करूँगा गाइस इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम लोग ज़रूर बनाएंगे उसकी भी वीडियो, अगर आपको नीड होगी तो, नीड नहीं होगी तो क्या ही ज़रूरत है फिर। ये देखो बेचारी लड़की तो बहुत गंदा पिट रही है, अभी पूरी की पूरी आर्मी आ चुकी है एंड यहाँ पे घेर लिया गया है। जीत जाएंगे गाइस, इजी पीजी जीत जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसका मतलब ये शहर आज अपना होने वाला है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई काफ़ी दिनों बाद ये पूरा का पूरा जो है ये अपना होने वाला है। एंड यहाँ पे हमने इनको क्लियर कर दिया फटाफट यहाँ से। भाई एक ये है इसका, इसका 32,000 ड्रॉप्स है, बट ये भी कोई बड़ी बात है नहीं, ये यही सबसे बड़ा पावरफुल लग रहा है मेरे को। नहीं हील अभी हमको करना नहीं है। यहाँ से ये वाली आर्मी कितना ड्रॉप्स है इसका, 33, ये कुछ ज़्यादा। यहाँ मुझे तो लगा था भाई यार 31,000 वही होगा। ये कितना इसका ड्रॉप्स कितना है इसका, एक सेकंड, ये है कौन, इसका ड्रॉप्स भी नहीं बता रहा, ये कुछ ख़तरनाक ही सीन लग रहा है मेरे को। ठीक है ये बता नहीं कौन सी पावर्स ले रहा है भाई इससे, शक्तियाँ आ रही है इसके अंदर। ओके इसका 29,000 ड्रॉप्स है, बट हम लोग ने इससे फाइट भी नहीं ले सकते, अंदर से ही ले सकते हैं। मैं तो एक्साइटेड हो रहा था कि यार अब तो मस्त काम हो गया, 31,000 का ही तो है ये, 32,000 इधर, 33,000 की दो आर्मी है भाई, इसका मतलब ये दोनों हमें कुत्ता बना के मारेंगे और दोनों लेगी फाइट। ऐसा तो है नहीं कि एक आर्मी पिटेगी तो दूसरी खड़ी खड़ी तमाशा देखेगी, ये तो लग नहीं रहा है मेरे को अभी के टाइम पे कि चैलेंज वैलेंज है क्या। एक और आर्मी हम लोग ऐड करते हैं, ये नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को ये वाली आर्मी चाहिए। एंड ठीक है इसका करते हैं, किससे लेने वाला ये फाइट, किया क्या है वैसे इसने, अच्छा चैलेंज दिया है ये लिया है, ये चीज़ मेरे को भी समझ में नहीं, सक्सेसफुल इससे। ओके यहाँ पे लग गए ये काम करने के। ओके सबसे पहले हम लोग इसी से अटैक करते हैं, जो जो हमारे पास में है ना, सबसे पहले समझ रहे हो ना, उन्हीं को क्लियर करते हैं सबसे पहले। एंड अभी ना थोड़ा सा दिक्कत हो गया यार, जो चीज़ मैं सोचा था वो चीज़ मैं कर नहीं पाया, कोई बात नहीं, सर्टन डिफेंस है तो कोई बात नहीं। एक सेकेंड यहाँ से हम लोग, ओके यहाँ से हम लोग ने हील हुआ कि बंदा, और भी तो बंदे हैं यहाँ पे, स्पीड अप नहीं कर सकता, बस दिक्कत तो यही आ जाती है कि स्पीड अप क्या ही बोलूँ मैं यहाँ पे। ओके हमारी फर्स्ट आर्मी आ चुकी है, थोड़ा थोड़ा लेट हो गया ना थोड़ा, ठीक है ये सही टाइम पे आए, फाइट लेना है तुम लोगों को। पहली आर्मी भिड़ चुकी है, अकेले तो गए हम लोग जीत ही नहीं सकते इन लोगों से, अगर अकेले गए ना। ये लड़की तो बेचारी थोड़ा बहुत डैमेज दे के जाती है, बट कुछ भी कहो डैमेज कुछ तो डैमेज दे के जाती है, भाग जाती है देन उसके बाद ये। एंड यहाँ पे ओके क्लियर है गाइस, ओके जीत जाएंगे, बट इसने ना कुछ ज़्यादा ही डैमेज दिया हमारी फर्स्ट वाली टीम को, जो हमारी फर्स्ट वाली टीम थी। अच्छा ये इससे फाइट कर रहे हैं, एक टीम दो टीम को इसने डिफीट कर दिया भाई, हल्का सा ही है। ओके फाइनली इन्होंने मार दिया, जिस हिसाब से गाइस ये वाला मैच गया है ना उस हिसाब से मेरे को लग नहीं रहा कि 33 मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाएगा, बट एक बार हम लोग ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। एंड अगर नहीं हुआ तो फिर समझ ही पा रहे हो ना, क्योंकि उधर दो आर्मी है, मेन प्रॉब्लम ये है। एंड दो आर्मी का मतलब इनके ट्रॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब 33,000 के लगभग उनका ट्रॉप्स मिलेगा हमको देखने को। 33,000 एंड 33,000 कितना हो गया, 66,000 ट्रॉप्स हो जाएगा, तो दोनों मिलके हमें बहुत गंदा मारेंगे, डबल आर्मी पावर है ना उधर। फिर कोई ना, यहाँ से मैंने कुछ वर्कर्स तो मंगा ही लिए, एंड यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं एक बार जो भी रिसोर्सेज है हम लोग वो कलेक्ट करते हैं फटाफट। ओके गाइज यहाँ पे जो भी मेरे को सब कुछ काम करना था मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, मतलब जो जो मेरे को रिवॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट करने थे या जो कुछ भी करना था मैंने सबसे पहले वो कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमारी बारी है, यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कितना सारा रिवॉर्ड है, मतलब देख नहीं सकते पूरी स्क्रीन भरी हुई है। तो अभी हम लोग चलना है, हमें इस आर्मी से फाइट लेना है। एंड सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास हील एक तो ये है, हील एक यहाँ पे दो है, एक तीन है। क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आर्मी वहाँ से आने में बहुत टाइम लेगी, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना दोनों आर्मी को पास पास में जल्दी जल्दी हील करके देन उसके हिसाब से मैं उन दोनों को यहाँ पे फाइट करने, मतलब यहीं से उनको हील कर दूँ फटाफट एंड उनसे फ़ाइट ले लूँ। तो अभी ना मैं फर्स्ट आर्मी जो है 33 ड्रॉप्स वाली, एंड मुझे लग रहा है अगर मैं पहली आर्मी पर अटैक करूँगा तो दूसरी ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर अटैक जरूर करेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई दोनों देखते रहेंगे कि भाई मेरे पड़ोस वाले को मार रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो ये लोग आ चुके हैं, एंड हील के लिए मेरे पास ये तीन है, जो भी आर्मी डिफेंड होगी उनको यहीं पे स्टॉप करके एंड उनको यहाँ से हील करके निकाल लेंगे। मेरा आइडिया देखते हैं क्या काम, ये देखो मेरे को उम्मीद थी कि ये पहले आके घुसेंगे, भाई इनको मारो नहीं तो साला वो हमारा लॉल वे लॉल बहुत कुत्ता बना के मारेंगे। एक भी आर्मी यहाँ पे डिफेंड हो गई ना भाई, ए रुक 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 रुक, अबे रुक यहीं पे,
अबे रुक बे, ए बे बड़वे रुक, पिकअप पिकअप मर, पिकअप मर, पिकअप मर, आई ला, नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, पिकअप मत करियो, पिकअप मत करियो, इनको तो कुत्ता बना के मारा हम लोगों ने, पिकअप किया तो देख लिया, हाँ निकल, चुपचाप निकल, उम्मीद थी भाई, इन्होंने कुत्ता बना के मारा भाई, 33 ड्रॉप्स, मतलब भाई 66 ड्रॉप्स, बड़ा गंदा मारा भाई इन्होंने, बड़ा बड़ा गंदा मारा, भगा भगा के मारा भाई इन लोगों को। अभी एक बार हम लोग हमारी आर्मी देख लेते हैं कितना क्या कुछ पावर है इसके अंदर, चेक करते हैं कहाँ गई जी भाई, 14 खतरनाक मारा भाई इन लोगों को, तगड़ा मारा है, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं। तो चलो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड इनके थोड़े ड्रॉप्स वगैरह को इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, आई इन्होंने टिकने भी नहीं दिया, मतलब समझ रहे हो, मतलब 33 ड्रॉप्स है अभी मेरे पास, 3 लाख के लगभग ड्रॉप्स है, इट मीन्स जहाँ तक कि मुझे इनसे फाइट लेनी पड़ेगी, टिकना पड़ेगा मुझे इनके सामने, मुझे लग रहा है कम से कम 5 या 5.5 लाख मेरे पास ड्रॉप्स होने चाहिए उसके लिए, जो कि मेरे पास अभी के टाइम पे है नहीं, फिर देखेंगे गाइस करने का ट्राई करूँगा मैं जल्द से जल्द, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, आप लोग बस लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।